हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। और HSSC के जो मेंस एग्ज़ाम होने हैं उनमें कंप्यूटर जो है हर एक पोस्ट के लिए आने वाला है। और यहाँ पे आज हम इस क्लास में वर्ड सॉफ्टवेयर करने वाले हैं। MS ऑफिस में हमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिए किस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिकली आप सब सीख पाएंगे और बहुत आसानी से याद भी कर पाएंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं MS वर्ड के अंदर। तो साथ साथ MS वर्ड को भी मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और उसके साथ साथ जो है हम यहाँ से MCQ भी लगाते चलेंगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगे। MS वर्ड को आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सब देखिएगा यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है डैस का एक एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है। तो हम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर पढ़ के आते हैं, उन्हीं में से एक आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, MS वर्ड क्या है एक, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं अब आप सबको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये मैंने यहाँ से MS वर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पे अलग अलग टैब दिए गए हैं, मेनू दिए गए हैं, फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, स्टार्टिंग वाले ड्रॉ नहीं तो डिजाइन, उसके बाद लेआउट से, उसके बाद रिव्यू और व्यू से। देखिएगा क्या क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यहाँ से एक बात आप सबको क्लियरली बता दूँ कि जैसे ही मैंने MS वर्ड को यहाँ पे ओपन करा तो ये जो चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप सबसे यहाँ से पूछा जाएगा कि जो फॉन्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसका बाय डिफ़ॉल्ट आप सब यहाँ देखेंगे तो साइज़ कितना होता है, 11 साइज होता है। यहाँ पे हम लोग टाइम्स न्यू रोमन्स या कैलिब्री लेके आते हैं, तो जो लैंग्वेज ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, कैलिब्री होती है हमारी। और यहाँ पे साइज़ कितना होता है फ़ॉन्ट का, तो 11 का साइज होता है फ़ॉन्ट का। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आप सबसे पूछा जा सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। और अब यहाँ से आप सबसे पूछा जाएगा कि साइज़ जो है वो मैक्सिमम कितना होता है। तो मैक्सिमम साइज़ मैं यहाँ पे एक बार देखिएगा 100 यहाँ पे लगाता हूँ, और जब मैं 100 करता हूँ तो ये 100 का साइज़ यहाँ पे हो गया है हमारा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ से साइज़ करते चलेंगे, और आगे जाके मैं हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे भी ये कितने हो सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे 500 करता हूँ, ये साइज़ बढ़ता जा रहा है हमारा यहाँ से। और अब लास्ट वन बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं 2000 करता हूँ। देखिएगा इस चीज़ को आप सबको देखना है, और आप सबके लिए क्वेश्चन यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड के अंदर जो कि जो फॉन्ट साइज़ होता है वो कितना होता है। मिनिमम कितना होगा दोस्तों, 1, मैक्सिमम कितना है 1638। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉन्ट साइज़ ध्यान रखेंगे आप सब, कितना होगा मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना होगा 1638। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम ध्यान रखेंगे आप सब। लेकिन जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ से ओके पे जाता हूँ, और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम सबको ना इतना ही दिखाई देता है 8 और 72। तो हम इन्हीं की उलझन में रहते हैं, लेकिन ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। 8 और 72 ये केवल शो होता है हमें, लेकिन एक्चुअल में मिनिमम साइज़ 1 होता है फॉन्ट का और मैक्सिमम साइज़ कितना होता है 1638 होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पे कितना होता है, 11। कैलिब्री हमारी होती है यहाँ पे, लैंग्वेज के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टाइम्स न्यू रोमन जो होता है, जो हमारा हम लोग असल में फ़ॉन्ट बोल देते हैं हम लोग इसको, कि फ़ॉन्ट कैसा लेना है। लेकिन आप सब समझते हैं कि इंग्लिश लिखना है टाइम्स न्यू रोमन, कृतिदेव लिखना होता है, और तो ये फ़ॉन्ट होता है हमारा, ठीक है। और 11 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, बाय डिफ़ॉल्ट। चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाऊँ, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। कोई भी डॉक्यूमेंट की जो फाइल होगी तो उसको जब सेव करते हैं तो उसके लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो क्या एक्सटेंशन होगा, डॉट डॉक, डॉट टेक्स्ट TXT, डॉट WRD, डॉट EXE। तो दोस्तों इसको आप सबको ध्यान रखना है, 2013 का जो है ऑफिस का वर्जन आया 2013, उससे पहले जो है वो डॉट डॉक होता था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन उसके बाद जो है 2013 में, और उसके बाद इसके साथ एक एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप सबको, एक्स जो है इसके साथ आ गया, डॉट डॉक्स बोल देते हैं, DOCS, डॉट DOCS। 2013 से पहले डॉट डॉक होता था, अब डॉक डॉक्स हो जाता है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इसके बाद हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध है? हेल्प मेनू जो है वो किस बटन पर उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ से एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ और रिस्टार्ट। तो जो हेल्प मेनू है वो स्टार्ट बटन पे यहाँ पे अवेलेबल है, स्टार्ट पे। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जाते हैं। तो हम लोग एक्सेस करते हैं, कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो किस बटन से, किस मेनू से करते हैं? तो स्टार्ट मेनू से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मेनू से जो ऑब्जेक्ट या कोई प्रोग्राम है तो उसको एक्सेस किया जाता है, उसको स्टार्ट किया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। डैश बार जो है, ये बार दो बार हो गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आप सबको भाई, जो है इसको थोड़ा सही लिख देते हैं। डैश जो है वो बार बार प्रयुक्त कमांडों को आसान एक्सेस उपलब्ध करवाता है। तो जो टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार, बार बार जो कमांड इस्तेमाल होती है उनका आसान एक्सेस जो हमें उपलब्ध कर पाता है। तो बार बार कमांड होती है हमारी। एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लास्टिंग क्या है? ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लास्टिंग क्या है? तो जो कंप्यूटर पे बार बार आए उनको तो हमने यहाँ पे क्या कहा, स्टैंडर्ड टूल बार। और जो विकल्प जो हमें ऑन स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ? डॉक्यूमेंट, व्यू, टूल और मेनू, उनको क्या बोलते हैं? मेनू बोलते हैं। उनको टैब भी बोल देते हैं या मेनू बार भी उनको बोल देते हैं हम लोग। फिर हमें यहाँ पे एक रिबन के रूप में उनके अलग अलग जो कमांड है वो शो हो जाती हैं। हम आप सबको एक कमांड यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता था। एक तो ये भी हो सकता था कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किस मेनू बार का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इसके लिए हम लोग एमएस वर्ड पे चलते हैं और ये हमारा है। अब आप सब देखेंगे यहाँ से, ये जो हमारा है ये क्या है हमारा यहाँ पे फाइल मेनू। जैसे हम लोग फाइल मेनू पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखिएगा फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद आप सबको क्या क्या चीज़ें यहाँ से शो हो रही हैं। सबसे पहले आप सब देखेंगे यहाँ पे न्यू, नई कोई आप सबको फाइल बनानी है। इसकी शॉर्टकट की मेरे दोस्तों जरूर ध्यान रखना कि न्यू के लिए कोई न्यू है आपका तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल CTRL प्लस में एन, कंट्रोल प्लस न्यू हो जाएगा कोई नया डॉक्यूमेंट। जो एग्जिस्टिंग है, जो पुराना है उसको ओपन करना है तो इसके शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल CTRL प्लस में वो हो जाएगा। ये जो दो ऑप्शन इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, मॉडिफिकेशन लास्ट टाइम कब हुआ है, वो सब चीज़ें इन डॉक्यूमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पेपर में क्वेश्चन आएगा सेव और सेव एज किस मेनू में होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए फाइल मेनू में होते हैं। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सेव और सेव एज दिखने में तो एक ही जैसे होते हैं लेकिन जब हमने न्यू पे जाके हम अपना काम करने लग गए और हमने एक शॉर्टकट की इस्तेमाल की जिसका नाम है CTRL प्लस एस, कंट्रोल प्लस में एस, कंट्रोल प्लस एस, जब पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं तो वो सेव एज का काम करेगा। पहली बार किसका काम करेगा, सेव एज का काम करेगा। और उसके बाद अगर हम उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उस मॉडिफिकेशन को सेव चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं। यानी कंट्रोल प्लस एस जो है वो शॉर्टकट की है सेव एज की। फर्स्ट टाइम जब हम लोगों को क्या देना होता है, नेम और लोकेशन देनी होती है। क्या देना होता है दोस्तों, नेम और लोकेशन। किसी भी फाइल का क्या होता है, कोई ना कोई नेम होता है और कोई ना कोई लोकेशन होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट। दो चीज़ें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर बहुत सुनने को मिलेंगी, एक बाय डिफॉल्ट और एक डायलॉग बॉक्स। तो बाय डिफॉल्ट जो है किसी भी फाइल का एमएस वर्ड के अंदर नाम क्या होगा, कि आप खुद से नाम नहीं देना चाहते, बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा, तो ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट नाम होगा डॉक्यूमेंट वन। और बाय डिफॉल्ट उसकी लोकेशन क्या होगी, माय डॉक्यूमेंट या केवल डॉक्यूमेंट, आजकल डॉक्यूमेंट भी आ रहा है अपडेटेड वर्जन में, या फिर नहीं तो माय डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट जो उसकी लोकेशन होगी। मेरा कहने का मतलब सेव कंट्रोल एस से भी होगा लेकिन वो सेकेंड टाइम के लिए जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो कंट्रोल एस कर देंगे ताकि वो कंटेंट क्या रहे, सेफ रहे, वो सेव रहे। पहली बार के लिए हम लोग कंट्रोल एस का इस्तेमाल कर लेते हैं पहली बार के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रिंट के लिए कंट्रोल CTRL प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, शेयर कर देना है। एक्सपोर्ट मतलब आपको वर्ड की फाइल को PDF बनाना है तो एक्सपोर्ट करना है। क्लोज करना है ये भी है, ये क्लोज करने की दो बातें होती है, एक तो होता है एप्लीकेशन ही क्लोज करना चाहते हैं, एक होता है जिस फाइल पे काम कर रहे हैं वो फाइल क्लोज करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ से आप सबसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो बताओ शॉर्टकट की क्या है,
कंट्रोल प्लस में डब्ल्यू एग्जिस्टिंग फाइल, मान लो कि मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ और इस फाइल को बंद करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। दूसरा, अगर मैं एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, एल्ट प्लस में F4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्ट प्लस F4। केवल यही क्यों, मान लो मैंने तीनों ही एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, एमएस वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी। एल्ट फोर से क्या होगा, एमएस वर्ड है तो पहले एमएस वर्ड हमारी एप्लीकेशन क्लोज, एक्सेल क्लोज, पावर पॉइंट क्लोज, सारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। उसके बाद भी अगर मैं एल्ट प्लस F4 दबाता हूँ तो वो हमें शट डाउन के ऑप्शन पर ले जाएगा। किस पे दोस्तों, शट डाउन के, एल्ट प्लस F4 यानी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। अब ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ, ये कौन सा मेनू पढ़ा हमने, तो आपका आंसर होगा सर ये फाइल मेनू हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा इसमें, न्यू कोई नई फाइल बनानी है या क्रिएट करनी है, जो लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन था। तो न्यू फाइल बनानी है कंट्रोल प्लस N होगा, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है कंट्रोल प्लस O होगा, इन्फॉर्मेशन टोटल पेजेस संख्या उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी, सेव और सेव एज कंट्रोल प्लस S से भी सेव एज हो जाएगा, फर्स्ट टाइम के लिए होगा, नेम बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 रहेगा, लोकेशन बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट रहने वाली है। उसके बाद कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने के लिए, शेयर कर सकते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट PDF कर सकते हैं। एप्लीकेशन को क्लोज करना है एल्ट प्लस F4 होगा, एग्जिस्टिंग फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस में W जो है वो हमारा यहाँ से हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में W। अगर लोकेशन और आप सब सेकंड टाइम में भी देना चाहते हैं तो इसकी भी शॉर्टकट की आप लोग यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस S करने से आपके सामने एक जो मैं भी बता रहा था डायलॉग बॉक्स, उसके बारे में आप सबको बता देता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बैक कर लेते हैं, मान लो न्यू पे ही हम लोग यहाँ पे, तो अभी मैं मान लो कंट्रोल S कर रहा हूँ तो ये मेरे सामने जो है ये आप सब देख रहे हैं, जिसको आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते, एक डिब्बा आपके सामने शो हो रहा है, ये एक डायलॉग बॉक्स है। सेव डायलॉग बॉक्स जो है हमारे सामने ओपन हुआ, लास्ट में आप देख रहे हैं डॉट डॉक्स आ गया, क्योंकि ये 2013 का है तो उसके बाद जितने भी ऑफिस के सॉरी वर्जन आए उनमें ये इसका एक्सटेंशन नेम हो गया है फाइल का। ये ध्यान रखेंगे फॉन्ट का साइज हो गया है, ये हमारा फॉन्ट हो गया है, फॉन्ट कौन सा होगा, कैलिब्री बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद तो न्यू पे जाना है हमें मेन्यू कमांड के लिए, क्रिएट करनी कोई फाइल। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, कट कॉपी पेस्ट कहाँ पे होता है, इसके शॉर्टकट की होती है इन सबकी। कट कॉपी पेस्ट कंट्रोल X होता है कट के लिए, कंट्रोल कॉपी पता ही आपको, कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V हो जाएगा, और कंट्रोल Z होता है अंडू के लिए, और कंट्रोल Y जो है वो रीडू के लिए। ये सब हमें क्या करते हैं, आप एडिट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडिट मेनू में आप सबको मिलता है। इसी के लिए मैं एक बार आप सबको और दिखा देता हूँ, ये है हमारा होम मेनू। होम में यहाँ पे देखेंगे आप पेस्ट, ये होम मेनू फाइल कंप्लीट हो गया। होम में देखेंगे पेस्ट वाला है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो डाटा कॉपी पेस्ट किया जाता है आप सब यहाँ से देखेंगे वो कहाँ रहता है, कंट्रोल X कर लिया कंट्रोल C कर लिया, वो डाटा कहाँ पे रहता है दोस्तों, क्लिप बोर्ड में रहता है। कहाँ रहता है मेरे दोस्तों, क्लिप बोर्ड में डाटा रहता है। कॉपी मान लो आपने कंट्रोल C करा या कंट्रोल X करा तो कहीं तो सेव रहेगा ना, तो कहाँ पे सेव रहता है वो क्लिप बोर्ड में सेव रहता है। अब कहीं डाटा सेव रहता है तो उसकी क्या खास बात होगी कि सर वो कोई ना कोई मेमोरी है कि नहीं मेरे भाई, वो कोई ना कोई मेमोरी है। अब मेमोरी है तो उसके दो नेचर हो सकते हैं, या तो वो मेमोरी कैसी है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल जो क्या हो जाएगी जैसे पावर ऑफ होगा तो ख़त्म, या फिर वो क्या है नॉन वोलेटाइल है, परमानेंटली रहती हैं तो नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। तो अगर ये वाली जो मेमोरी है इसका नेचर आपसे पूछे कि क्लिपबोर्ड की मेमोरी का नेचर कैसा है, तो आप सबका आंसर क्या होगा, वोलेटाइल नेचर है। फिर अगर वो आप सबसे पूछे कि क्लिपबोर्ड में हम लोग कितना डाटा सेव रख सकते हैं, तो दोस्तों वो डाटा आइटम के हिसाब से होता है। आइटम एक वर्ड का भी होता है, एक पूरा का पूरा अल्फाबेट भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी, एक डॉक्यूमेंट भी, वो आइटम होता है आपका। तो इस आइटम में एमएस ऑफिस जो 97 माइनस लगा देता हूँ, 97 और उससे पहले के जितने भी आते थे उनमें एक आइटम सेव रहता था, और 2000 के बाद के जितने भी ऑफिस के वर्जन आए हैं उनमें हम लोग 24 आइटम यहाँ पे जो है वो सेव रख सकते हैं। 24 25वां आएगा तो पहले वाला अपने आप चला जाएगा, मतलब ये नेचर होता है इसका। तो आई होप क्लिपबोर्ड को अब आप सब जरूर ध्यान रखेंगे। अब चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसके बाद वीडियो को ध्यान से देखना है अगर आप सीरियसली इन टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप किसी जानकारी को कट और कॉपी करते हैं तो वो कहाँ मिलती है, कट और कॉपी करते हैं तो कहाँ पे मिलती है, क्लिपबोर्ड में। तो ये ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग क्यों करते हैं, पहला तो मैं आपको स्टाइल ही देख लेते हैं हम लोग, स्टाइल क्या है। तो देखो ये फॉन्ट है, ये स्टाइल है कि नहीं, स्टाइल यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग क्यों करते हैं, कॉपियाँ बनाने के लिए,
डॉक्यूमेंट परिवर्तन और सेव करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, तो हम लोग किसके लिए करते हैं? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, बताओ जरा, क्योंकि वो टेक्स्ट के अलग अलग फॉर्मेट हमें दिए हुए हैं। तो ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आऊँ, एमएस वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि एमएस ऑफिस के सूट पैकेज में उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प जो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? एमएस वर्ड से पेज लेआउट, एंटीवायरस, मेलिंग, फॉर्मेट पेंटर, तो क्या ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो फॉर्मेट पेंटर है ना दोस्तों, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, मैं आपको पहले बताऊँ। वो हम लोग फॉर्मेट पेंटर जो है ये फिर हम लोग कहाँ पे पढ़ के आएंगे? फॉर्मेट पेंटर जो है ये जब पावर पॉइंट को पढ़ेंगे ना, तब मैं आप सबको इसके बारे में बताऊँगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आ जाऊँ, वर्ल्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है, बिल्कुल होता है। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी और उसमें आपने देखा होगा कि आमिर खान किस तरीके से एक ऐसा वर्ड उठा लेता है और उसको पहले क्या करता है, पहले उसको फाइंड करता है। पहले क्या करेगा दोस्तों, उसको फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद फिर उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो फाइंड और रिप्लेस ये उपलब्ध होते हैं किस पर? वर्ल्ड में रिप्लेस पूछा है तो फाइंड और रिप्लेस भी। एक ऑप्शन यहाँ पे और होता है गो टू, भाई आप जंप करके, मान लो 1000 पेज है और आप किसी एक वर्ड पे उस पे जाना चाहते हो या किसी पेज पे, तो गो टू का ऑप्शन भी हमारे पास होता है। तो ये वाले जो है ये किस में होते हैं? पहला ऑप्शन है फाइल मेनू, ना फाइल मेनू तो आपने सारा पढ़ लिया, व्यू में, एडिट में या फॉर्मेट मेनू में। तो मैं आप सबको पहले इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ गए हम लोग हमारे एमएस वर्ड में और ये वाला एडिट आप सब देख रहे हैं, ये एडिटिंग। तो इसमें क्या है, फाइंड है, यहाँ पे क्या है, रिप्लेस है। और यहाँ से नीचे से आप सब कर भी सकते हैं, यहाँ पे आप सब करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और इसमें से हम लोग रिप्लेस वाला कमांड उठा लेते हैं, हमने यहाँ से सेलेक्ट करा। और चाहे तो आप फाइंड कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़े पैसेज की बात है, हमें यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। रिप्लेस है तो पूछेगा आपसे किस में, तो मैं चाहता हूँ कि किस मेन्यू को, किसको रिप्लेस करना है, तो ई जो जहाँ पे ई लिखा हुआ है या ए को बदल देते हैं हम लोग। तो जहाँ ए लिखा हुआ है और उस ए को किसके साथ बदलते हैं, कहते हैं कि पी के साथ बदल देते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जैसे ए है, यहाँ पे ए है, और आप चाहें तो रिप्लेस कर देंगे, वो आप सबको दिखाएगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम पीसी, तो हम कर देते हैं यस, वन रिप्लेसमेंट है। और तो वी मेड टू रिप्लेसमेंट, तो इसने कहा दो रिप्लेसमेंट इसने कर दी है। तो देखो जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ वहाँ पे अब क्या हो गया, पी हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप सबसे पूछे क्या फाइंड और रिप्लेस किस ऑप्शन पे, किस मेनू पे मिलते हैं, तो आप आंसर करेंगे एडिट में। हालांकि ये सब मेनू पूछेगा तो होम मेनू में आता है, लेकिन अब उसमें वो सब मेनू हम सब पढ़ रहे हैं, तो किस में मिलेगा ये, एडिट मेनू, और ये किस में है, होम। ये सब मेनू हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एमएस वर्ड के विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं? तो पेज ब्रेक कहते हैं, पेज एंड कहते हैं, फ्रिज विंडो कहते हैं। तो ये जब दो पेज हमारे आ जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, तो पेज ब्रेक हो जाता है। तो पेज ब्रेक दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक और एक होता है हार्ड पेज ब्रेक। सॉफ्ट पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपके पास एक पेज है, आप लिखते गए लिखते गए लिखते गए, पेज भर गया, ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड ने नीचे एक पेज दे दिया और आप लिखते जा रहे हो। तो इस तरीके का पेज ब्रेक क्या है, सॉफ्ट पेज ब्रेक। तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। हार्ड पेज ब्रेक क्या हो गया कि आपने सिर्फ दो लाइनें लिखनी थी, उसके बाद आपको मैनुअली एक पेज नीचे इंसर्ट, क्योंकि खुद तो एमएस वर्ड तब देगा जब ये पेज भर जाएगा, आप मैनुअली जो इंसर्ट कर रहे हो, इस प्रकार के पेज ब्रेक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड पेज ब्रेक। चलो अभी नेक्स्ट पे आ जाओ, डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसे सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? इंसर्टेबल, ऑटो, तो लिखा है ना पेज नंबर और ये सब, ये क्या होते हैं, ये हेडर एंड फुटर होता है दोस्तों, ये क्या होते हैं, हेडर और फुटर होता है। नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच के लिए, यानी जो भी हमने लिखा हुआ है किस टैब के अंतर्गत होती है, यानी जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फाइल में, होम में, इंसर्ट में और रिव्यू में। अब जांचा जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि लो भैया ये 200 पेज है, लिख के ले आओ, हमने डाटा ऑपरेटर को कहा, उसने जो हमें लिख के दे दिया एमएस वर्ड में। अब हम लोग उसको चेक तो करेंगे ना कि भैया ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हम लोग चेक करेंगे ना, जांचेंगे कि सही है कि नहीं है, लैंग्वेज सही है, वर्ड सही लिखा है, स्पेलिंग गलत नहीं है, तो ये एरर तो नहीं है। तो ये ना तो फाइल में है, ना होम में है, ना इंसर्ट में है। जांचने क्या होता है, मतलब रिव्यू कर रहे हैं हम लोग उसको। तो इस रिव्यू वाले ऑप्शन में हमें ये चीज़ें मिलती हैं, रिव्यू का ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। मैं एक बार आप सबको दिखा दूँ यहाँ से, देखो ये वाला है हमारा रिव्यू का ऑप्शन। रिव्यू में सबसे पहले दिख रहा है आप सबको स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो कभी भी आप सबसे जब ये पूछा जाए कि स्पेलिंग या ग्रामर, हम लोग इसके नीचे क्या लिखा हो दोस्तों, सब मेनू,
इस सब मेनू को ध्यान रखेंगे ना आप सब। कौन सा सब मेनू है? प्रूफिंग, प्रूफिंग कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग। तो आप सब लिख सकते हैं कि प्रूफिंग, इसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते हैं, स्पेलिंग। तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए ध्यान रखेंगे इस तरीके की रेड कलर की वेवी लाइन्स आती हैं, वेव लाइन्स आ जाती हैं रेड की स्पेलिंग के लिए। और ग्रामर के लिए अगर ग्रामेटिकल एरर है तो उसके लिए आप सबको ध्यान हो, तो पहले तो जो क्या होता था कि ग्रीन कलर की वेव्स लाइन आती थी, ग्रीन कलर की आती थी। और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी एक जो है ब्लू कलर की लाइन आने लगी थी, तो अब तो ब्लू कलर की भी आती है दोनों में ही। तो ये लाइंस का आप सब ध्यान रखेंगे। और इसके लिए एक आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या हो गया है, आपके सेनोनिम्स अगर आप सबको देखने हैं, इसके लिए सेनोनिम्स देखने हैं तो इसकी एक डिक्शनरी होती है। सेनोनिम्स अगर आपको देखने हैं और एक डिक्शनरी, या कई बार आपको पूछेगा कि थीसर्स जो होता है, THESAURUS, थीसर्स जो होता है, ये डिक्शनरी होती है वर्ड की, तो ये आपको कहाँ पे मिलती है, तो आप ध्यान रखेंगे रिव्यू ऑप्शन में मिलती है आपको डिक्शनरी। ये डिक्शनरी से चेक करके आपने देखा होगा एमएस वर्ड में कई बार वर्ड के नीचे लाइन लगी होती है, तो वो एरर बताता है उनमें। वो किस में बता रहा है आप सबको? वो वेविज लाइन्स के रूप में बता रहा है, और रिव्यू में आप सबको वो चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप सबको ध्यान रखने हैं। और एक और खास बात होती है इसमें कि आपके पास इसके कोई शॉर्टकट की है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की, बहुत बार पेपर में आया है स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्पेलिंग चेक के लिए जो है शॉर्टकट की क्या है। रिव्यू का ऑप्शन आप सब जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद दो तीन चीज़ें और बहुत बेहतरीन मैं आप सबको यहाँ से बताने वाला हूँ। वीडियो को दो बार देख लीजिएगा अगर आपको लगे। कंप्यूटर में टास्क बार जो है वो कहाँ पे होता है? सबसे स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर, क्विक पर, स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नीचे वाला भाग होता है उस पर टास्क बार होता है। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों हाशियों पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाई करता है दोनों तरफ से? तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड में कितने तरह के हम लोग ये अलाइंसमेंट पढ़ के आते हैं दोस्तों। अलाइंसमेंट से पेपर में क्वेश्चन आप सबसे पूछ लेता है कि अलाइंसमेंट जो है वो कितने तरह के हम लोग पढ़ के आते हैं, तो ये बहुत कॉमन सी बात है और आप सबको पता भी होना चाहिए कि कितने तरीके के अलाइंसमेंट होते हैं। चार तरह के अलाइंसमेंट होते हैं दोस्तों। चलो एक बार देख लेते हैं जो अलाइंसमेंट हैं वो कितने तरह के होते हैं। हम लोग होम पे हैं, होम पे हमने फॉन्ट पढ़ा, फॉन्ट में पैराग्राफ आ गया है हमारा, और पैराग्राफ में आप सब जो है यहाँ से अलाइंसमेंट देख सकते हैं। एक हो गया आपका ये वाला अलाइंसमेंट, ये अलाइंसमेंट, ये, और ये चार अलाइंसमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ये वाला जो अलाइंसमेंट है वो अभी पूछ रहा है आपसे, दोनों तरफ से है, तो इस अलाइंसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ये अलाइंसमेंट हमारा जस्टिफाई हो गया है। इसके लिए आप सबसे शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल CTRL प्लस J, इधर से देखेंगे तो ये कंट्रोल प्लस लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट अलाइंसमेंट हो गया है। यहाँ से देखेगा आप सबसे, ये सेंटर अलाइंसमेंट हो गया है आपका, तो इसकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस में E। और ये वाला राइट अलाइंसमेंट हो गया है आपका CTRL प्लस में राइट अलाइंसमेंट के लिए R। तो ये चार तरह के अलाइंसमेंट आप सबको जरूर ध्यान रख लेने हैं दोस्तों, चार तरह के अलाइंसमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइंसमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद फिर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो कहाँ पे होते हैं? तो पेज लेआउट मार्जिन्स, पेज लेआउट ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं आपके? ये ओरिएंटेशन होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से एक फ़ोन अपना देखते हैं और एक फ़ोन हम लोग इस तरीके से देखते हैं, ये लैंडस्केप हो गया है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हम लोग ऐसे पढ़ के आते हैं। नेक्स्ट पे आओ, डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढना, सही करना, किसका? तो पहले क्या करते हैं, ढूंढना और सही करना, जो हम लोग रिप्लेस वाले भी ऑप्शन पे जा सकते हैं ढूंढने के लिए, तो लेकिन उसको सही करना यानी रिव्यू वाला ऑप्शन होता है हमारे पास। तो एक तो ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का ढूंढने के लिए, और दूसरा है कि स्पेलिंग और ग्रामर किसका चेक करता है, उनको ढूंढ के सही करने का काम है, तो स्पेलिंग और ग्रामर में हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? केवल उनके चेक कर सकते हैं ग्रामेटिकली ये एरर है, वो वेव कलर की लाइन हमें शो हो जाती है, लेकिन ढूंढने का काम जो उसमें नहीं होता है। ढूंढने का काम किस में होता है? हम लोग पढ़ के आते हैं एडिट में, होम में जब हम लोग एडिट मेनू पढ़ते हैं एडिटिंग, वहाँ पे सबसे पहले मैंने आप सबसे क्या कहा था? फाइंड, उसके बाद जो है फाइंड के बाद क्या था? रिप्लेस, और रिप्लेस के बाद एक और वहाँ पे ऑप्शन होता है गो टू का। तो इन तीनों की शॉर्टकट की भी होती है, CTRL प्लस में F फाइंड हो जाएगा, CTRL प्लस में H रिप्लेस हो जाएगा, और CTRL प्लस में G जो है वो गो टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, मतलब जो थीसर्स सेनोनिम्स ये सब जा नहीं है, उस शब्द के नीचे एक वेवी अंडरलाइन दिखाई देती है,
नहीं है तो मतलब वो एरर बता रहा है, तो रेड कलर की वेवी लाइन उसके अंदर दिखाई देंगी। टेक्स्ट ढूंढने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ हो जाएगा। अंतिम लाइन में जाना है, तो ये तो कीबोर्ड में भी आप सब पढ़ के आए हैं, लास्ट में पहुंचना है आपको, तो कंट्रोल प्लस एंड से लास्ट में पहुंचा जाता है, कंट्रोल प्लस होम से स्टार्टिंग में पहुंचा जाता है। कंट्रोल प्लस F12 का उपयोग करके क्या ओपन होता है, तो इसके लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, सेव डायलॉग बॉक्स, सेव एज, क्या बात है, दोनों ऑप्शन देखो, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तीसरा न्यू डायलॉग बॉक्स या ओपन डायलॉग बॉक्स, तो कंट्रोल प्लस F12 से जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 है, दोनों ही सेव में दे रखे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट में सेव और क्लोज करने के लिए, अभी देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन है और आप कंट्रोल प्लस W मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये प्रेस करते हो, तो आप इसका मतलब आप सीधा वहाँ पे कट पे क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप नाम देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट ही अपना नाम उठा लेता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कंट्रोल प्लस W, और जबकि एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो क्या कमांड है, एल्ट प्लस में F4। तो दोस्तों ये थे MS Word के हमारे क्वेश्चन। अब MS Word में दो बातें आप सब बाद मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा ध्यान रखेंगे, एक इंसर्ट में मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ से हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, एक तो देखो ये वाला ड्रॉ का ऑप्शन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक होता है हमें इंसर्ट करनी है टेबल या ड्रॉ टेबल, दो हो गया है, तो जब हम इंसर्ट करते हैं टेबल तो ये हमसे यहाँ पे मांगता है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो, बस यही पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, एक्सेल में अलग होता है, पावर पॉइंट में अलग है। जब MS Word में क्या टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए यस कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो उस टेबल का मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या होगा, मिनिमम तो 1 रो और 1 कॉलम हो जाएगा यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, लेकिन मैक्सिमम का जो है ये जरूर ध्यान आप सबको रखना है, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक तो क्वेश्चन आप सबसे होम से पूछा था कि फॉन्ट बाय डिफॉल्ट क्या होगा और फॉन्ट का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रो को देख लीजिएगा, रो तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम, मैं दोनों आप सबको यहाँ पे दिखाऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो जो हैं वो कितनी हो सकती हैं यहाँ पे, तो 32,767, और जबकि कॉलम कितने होंगे 63, और बस ये कॉलम वाला HSSC का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। अब मैं इनको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ एक बार, देखो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम मुझे बताया ना 63, तो मैं यहाँ पे ना 90 एंटर कर देता हूँ, जब मैं 90 एंटर करता हूँ तो कहता है कि जो कॉलम है वो 1 से 63 के बीच में होना चाहिए, यानी मैक्सिमम कॉलम जो टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं MS Word के अंदर उसका साइज कितना होगा 63, और जब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंटर कर लेते हैं, रो मान लो हम लोग यहाँ पे 40,000 एंटर कर लेते हैं, तो वो हमें कहता है, सॉरी पहले कॉलम को कर लेते हैं 5, और अब करते हैं हम लोग यहाँ से, तो कहता है कि जो रो है उनका साइज कितना होना चाहिए 32,767, बस ये एक तो ध्यान रखना है आप सबको, सब में कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, ये कितने होते हैं साइज, वो ज़रूर आप सबको ध्यान रखना है। तो चलिए MS Word के क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं, कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।